शोएब और नजीब, आप भी अपने पैनल से इसका जवाब ले लीजिए। मेरे ख्याल से उनके भी फेवरेट्स हम जानना चाहेंगे। ऑल टाइम कौन सी ऐसी टीम है जिसने बहुत दिनों तक अपना दबदबा कायम रखा है, स्पेशली वर्ल्ड कप्स में? वर्ल्ड कप की अगर हम बात जी सही है, ठीक है, बासित भाई से स्टार्ट करते हैं। बासित भाई, कौन सी ऐसी टीम है ऑल टाइम जिसको आप समझते हैं कि बेस्ट टीम है वर्ल्ड कप की? नो डाउट, जिस तरह कपिल पाजी ने वेस्ट इंडीज़ का बोला, वो टीम तो बहुत ही ज़बरदस्त टीम थी। लेकिन मुझे ऐसा फील होता है जो पाकिस्तान की 1999 की टीम थी ना, उससे अच्छी टीम मैंने नहीं देखी। उसमें हर चीज़ थी, बैट्समैन भी, बॉलर्स भी, ऑलराउंडर्स भी। अनफॉर्चुनेटली हम फाइनल हारे थे, लेकिन मेरी नज़र में 99 से बड़ी टीम कोई नहीं। बट भाई भाई एक चीज़ बोला जाता हूँ, पाजी ने कर दी और बासित भाई ने कर दी, मैं अपने टाइम की बात कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया ने तो डोमिनेट किया ही किया है। पाकिस्तान ने जो 99 की जो टीम थी और 96 की जो टीम थी, मेरे ख्याल से ये दो टीमें पाकिस्तान की बड़ी मजबूत थी। जो मेरे ख्याल से हमारी कंडीशन में था, इंग्लैंड में जाके फाइनल खेलना बहुत बड़ी अचीवमेंट थी पाकिस्तान टीम के लिए। लेकिन मैं एक सवाल अजहर भाई से भी पूछना चाह रहा हूँ कि जब बैट्समैन की फॉर्म नहीं आती, मेंटल टफनेस की आपने बात की, पाजी ने, कपिल पाजी ने बड़ा अच्छा डिस्क्राइब किया, अजहर भाई की भी फॉर्म अच्छी नहीं थी। साउथ अफ्रीका में जाके इन्होंने टेस्ट मैच में 100 किया था, उस वक्त क्या सोच के इन्होंने अपनी फॉर्म वापस लेके आए? क्या मेंटली इन्होंने काम किया था, बात की थी, क्या टेक्निक पे काम किया था? जैसे अभी हमारे फखर की फॉर्म अच्छी नहीं है, उसको क्या करना चाहिए? ये ऐसे मौके कम ही आते हैं ऐसे बैट्समैनों से बात पूछने के लिए। देखिए, जहाँ तक के मैं सोचता हूँ, जो फखर जमान की जो बैटिंग है, मौके का फायदा उठाया कामरान ने, नहीं बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, नो डाउट कोई ऐसा बैट्समैन में उन्होंने बहुत अच्छे रन्स किए, बट लेकिन उनका जो जो ग्रिप है ना, तो मेरे को लगता है कि वो ग्रिप उनके हाथ में उतना फर्म नहीं है। अगर आप कभी भी अगर उन्हें बैटिंग आगे आप करते हुए देखेंगे, मैं जब भी उनको बैटिंग करते हुए देखता हूँ तो ऐसा लगता है ये कभी भी आउट हो सकते हैं, क्योंकि उनका जो बैटिंग का जो ग्रिप है वो बिल्कुल फर्म नहीं है, क्योंकि बैट उनके हाथ से निकल जाती। तो मेरे ख्याल में उनको ये सही करना पड़ेगा। अगर जिस दिन वे बैट का ग्रिप फर्म करेंगे, वो खुद बड़े लंबे रन बना सकेंगे। जहाँ तक कि मेरा ख्याल है, मैं तो पूरी कोशिश ही किया था, बट बाद फ्लूक में 100 बन जाते हैं, तो मैं उसके लिए वेट करता था। कामरान, शोएब कामरान, ऐसा लग रहा है कि अच्छे एंकर बनना चाह रहे हैं। जब मौका मिल रहा है तो एक के साथ दो क्वेश्चन उन्होंने 1+1 एक ले लिया यहाँ पे मौका। लेकिन हम बात कर रहे थे कि हमारे बोलिए ये हमारे प्रोग्राम में भी यही कर रहे होते हैं। नहीं, हम कामरान के नाम से हमारे पास अतुल भाई भी ऐसे ही हैं। अतुल भाई भी जब मौके पे चौका मार ही देते हैं हमेशा। अच्छा जी बोलिए नजीब। अच्छा, मैं अतुल भाई से अगर आपकी इजाजत हो तो एक सवाल करना चाहूंगा, बल्कि सवाल क्या, आप लोगों को भी एक मेमोरी है वो शेयर करेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच तो इन्होंने कभी खेला नहीं है, बट इनके 160 रन की इनिंग है, ये खुद आपको बताएंगे, टेम्पो लेजेंड्स कप में 8 मई 1999 10 छक्के लगाए थे इन्होंने। वाह भाई वाह, तालियां हो जाए इस बात पे। अतुल ये इनके इनके फर्स्ट टेस्ट मैच जब खेले थे, वो वहां पे भी ऐसे ही बैटिंग कर रहे थे। नहीं, मैंने अपना पहला 50 जिंदगी का, जो गली मोहल्ले में नहीं, स्कूल में नहीं, कॉलेज में नहीं, पहला 50 मैंने लाइफ का टेस्ट मैच में बनाया था, और मैंने सारा क्रिकेट का गुस्सा जो है रिटायर होने के बाद, और कपिल पाजी वहाँ कप्तान थे नेपाल में, और विकेट गीली थी, तो कपिल पाजी ने बोला थोड़े बैट्समैन बचा लें, गीली विकेट पर जाओ भाई तू बैटिंग करके आ, तो हमने कर दी। तो वो पहले के रन जो बचे हुए थे तुक्के लग जाते हैं। पर मैं ये कहूँगा, वैसे हमें पता नहीं था ड्रेस कोड है क्या, हैंडसम लग रहा है मोइन खान, जैसे ऐसे बड़े हो रहे हैं क्या हैंडसम बन रहे हैं, और देखिए और कमरान भी सब जैकेट पहन के बैठे हैं, तो ये प्रोग्राम तो वो जीत चुके हैं लुक्स में। पर पाकिस्तान की जो बात कर रहे थे, मैं बीच में जरूर बोलूंगा कि ये जो पता क्या होता है पाकिस्तान की टीम में, कौन सी टीम जो है वो ग्राउंड पे आएगी, ये पाकिस्तान की टीम को भी नहीं पता किस मूड में आएंगे। एक एक टीम से दो दो कप्तान जो है, वाइस कप्तान 6-6 महीने बात नहीं करते, फिर भी जीत रहे हैं खुंदकबाजी में, ऐसी देखें स्ट्रीट फाइटर टीम जो है। और क्या प्रॉब्लम क्या है कि पाकिस्तान को जब आप फेवरेट बना दोगे ना, तो बिल्कुल उनके पहिए उतर जाएंगे। जब वो अंडरडॉग होते हैं ना, सबसे खतरनाक टीम है पाकिस्तान, उनको बोलो कि आपको कोई रेट नहीं कर रहा, फिर देखो वो क्या करते हैं। तो क्योंकि ऐसी अकबर की सेना में एक हाथी था, अगर जिस दिन उसका मूड नहीं होता था ना, अपनी सेना को कुचल देता था। पाकिस्तान वही टीम है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।